अगर आप एक्चुअल में एक अच्छे क्रिएटर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपने जो थंबनेल में पढ़ा ना कि एग्जैक्टली पॉसिबल है, एक दिन में 17 मिलियन का ट्रैफिक, यानी कि उनका फॉलोवर्स। और भैया देखो ऐसा है कि हमेशा मैंने एक ही चीज़ बोला है ना कि भाई जितना ओरिजिनल आप काम करोगे वो आपके लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देने वाला है। यानी अब आपको लग रहा हो यार एक दिन में 17 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे पॉसिबल हो सकता है, और आई होप कि आपने शुरुआत से मेरी वीडियोज़ जो आपने देखी होगी, मैंने हमेशा किसी से बोला कि भाई जितना ओरिजिनल वर्क रहेगा उतनी आपकी पहचान रहेगी, यानी आपकी जो चेहरे की वैल्यू है ना यही सब कुछ है। बिकॉज सोशल मीडिया तो चाहे आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड एक्स वेजेड कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म तो कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी इशू आ सकता है। बिकॉज अभी के पहले के टाइम पे क्या था, यूट्यूब मास्टर था, नंबर वन था, राइट। अभी क्या है, और भी इसके अल्टरनेट्स बहुत सारे आ गए, लाइक टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एंड और भी इसके अलावा ना जाने कितनी एप्लीकेशन है जहाँ पर लोग अपना कंटेंट प्रोवाइड करा के अच्छा रेवेन्यू जनरेट भी कर रहे हैं। तो भैया मेरा एक ही चीज़ कहना यह है कि अगर आपके चेहरे की पहचान होगी ना, तो आपको पहले दिखाता हूँ, आपको पूरा एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, तब आपको हर एक चीज़ क्लियर होगा। जैसे आप देखोगे, आप यहाँ पे नोटिस करोगे, एक चैनल है जिस चैनल के ऊपर अभी देखोगे 1.79 करोड़ का सब्सक्राइबर है और मात्र 19 वीडियोज़ डली हैं। और अगर इस वीडियोज़ के अंदर बात करें तो आप यहाँ पर वीडियो के सेक्शन में आप आओगे तो 13 घंटे पहले एक, और आप गिन लो वीडियोस देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, मतलब आप देखोगे यहाँ पे, मतलब 12 वीडियोज़ यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स में होंगे, कुछ वीडियोज़ यहाँ पे शॉर्ट्स में डली हुई हैं, ठीक है। तो आप देखोगे सिर्फ इतना कंटेंट है, बट अगर ये देखोगे कि सबसे ओल्डेस्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 21-22 घंटे पहले, देखिए 22 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड हुई है इसके ऊपर। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पे कुछ कंटेंट है, तो ये वीडियो आप देखोगे यहाँ पे अपलोड हो रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया आप ये देखो, और देखो इनको कौन नहीं जानता भैया, ये रोनाल्डो साहब हैं, और यहाँ पे इन्होंने अपने चैनल का नाम रखा है UR.Cristiano, है ना। और बाकी आप देखोगे यहाँ पर इनका लिखा भी यहाँ पर, वेलकम टू UR Cristiano, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना। और यहाँ पे देखो मतलब ज़बरदस्त। और देखो ये कब बनाया गया चैनल, 8 जुलाई को ये जीमेल अकाउंट क्रिएट किया गया होगा, और उसके बाद में आप ऑटोमेटिक देखोगे यहाँ पे। और सबसे ख़ास बात देखना, मैं हमेशा आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा, जब कभी भी कोई भी चैनल बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो सारे यूज़र हैंडल सभी जगह पर आप ले लो। जैसे आप नोटिस करोगे इंस्टाग्राम पर भी @Cristiano, आप यहाँ पे फेसबुक पे देखोगे क्रिस्टियानो, तो आप यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म पे सब पे आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली ले लिया, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में जैसे फॉर एग्जांपल @TechRajman, आप TechRajman देखोगे सब जगह पे सेम मिलेगा, इसके अलावा सब स्कैमर है। तो आप भी ये ध्यान रखें कि जब भी चैनल बनाएं तो उसके हिसाब से भाई अपना user ID यूज़र हैंडल जरूर ले लो अपना, है ना। तो इस तरीके से आप सोचो कि देखिए क्या है? अब आप लोगों को लग रहा है ये तो बड़ा पॉपुलर आदमी है, बहुत मशहूर है, तो इसलिए हो गया। तो यही तो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी हो, ये बताओ भैया। और आप यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो, आप यहाँ पे वीडियोस में 1.2 करोड़, 17 लाख, 22 लाख, तो यानी कि अब ये सोचो कि अगर एक दिन में, अभी तो 24 घंटा भी नहीं हुआ, अभी अगर ये 22 घंटे के अंदर अगर यहाँ पे 17 मिलियन यानी 1.79 करोड़ अगर पहुंच सकता है, तो आप ये सोचो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इधर करो उधर करो, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करो आप। अगर देखो अभी तो इंडिया में तो टिकटॉक है नहीं, बट जब पहले टिकटॉक था, टिकटॉक का एग्जाम्पल होगा तो फेसबुक ले लो, पहले टिकटॉक पर बड़ा वायरल बंदा बहुत पॉपुलर, उसके बाद जैसे ही टिकटॉक बंद हुआ इंडिया में, ऑटोमेटिक बाकी प्लेटफॉर्म पर वो वायरल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो अपने कंटेंट को फोकस करो, अपने कंटेंट को वैल्यू दो, प्लस कंटेंट के साथ साथ अपने चेहरे को भी लेकर आओ। बिकॉज मान लो आपका 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, 10 मिलियन फॉलोवर है, कुछ भी है, कल को बंद हो गया, कौन जानता, आपको कुछ नहीं पता। यानी एक ये कंटेंट है जिसके डार्क साइड यानी इसके बैक साइड में कोई आदमी बोल रहा है, कुछ भी बता रहा है, भाई उसके चेहरे को कभी किसी ने देखा नहीं, तो क्या आपके कोई पहचान है, नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि अपने फेस के साथ अपना कंटेंट क्रिएट करो, आपके फेस की वैल्यू रहेगी, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पॉपुलर हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, आप जब चैनल क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक ऑडियंस को आप बोल के आपके इंस्टेंट आपके फॉलोवर सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, आपको 1000 सब्सक्राइबर का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके चेहरे को लोग जानते हैं।
तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप देखो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आप पॉपुलर हैं, अगर आपको लोग जानते हैं तो डेफिनेटली अदर प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत आसान हो जाता है नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स बढ़ाने में। और जब नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स आ गए तो बाकी आपका वॉच टाइम, फॉलोवर्स, कुछ भी जो बेसिक क्राइटेरिया है सब कंप्लीट हो जाएगा, सब आपको मिल जाएगा, फिर रेवेन्यूज भी शुरू हो जाएगी। सो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई कंटेंट पर फोकस करो, फेस के साथ कंटेंट बनाओ और लॉन्ग टर्म तक के लिए सोच के चलो, आज के लिए नहीं कि भाई अभी कमा लिया कल कमा लिया, लंबे समय के लिए काम करो ताकि आपको हमेशा रेवेन्यू मिलती रहे। बाकी ये चैनल जाके आप फाइंड कर सकते हो यूट्यूब पे, यू आर क्रिस्टियानो, और ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा सब, आप खुद जाके डिटेल चेक कर लो। तो कहने का मतलब ये क्या है कि पॉसिबिलिटी सब है, बस आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिए। अब जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब को तो भाई हर कोई जानता है, मोस्टली सभी लोग जानते हैं, फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू को इंस्टेंट उन्होंने अपना चैनल बनाया, तुरंत पॉपुलर। तो आप भी हो सकते हो, तो ट्राई कीजिए और कंटेंट पर फोकस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मिलते हैं हम लोग एक, देखो अच्छा क्रिएटर बनना है सो ये काम करो, अदरवाइज तो सब ऐसे चल ही रहे। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ।